खुले में नमाज का विरोध देखते हुए जुम्मे की नमाज के लिए 11 मई को गुरुग्राम में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे शहर में अलर्ट जारी है। प्रशासन के मुताबिक शहर के जिन 76 जगहों पर खुले में नमाज होती है, वहां 11 मई को भी नमाज होगी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 76 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, ताकि तनाव फैलाने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जा सके। आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले गुरुग्राम में कई जगहों पर नमाज अदा करने के बीच दक्षिणपंथी संगठनों के चलते कथित तौर पर बाधा पहुंचाने की घटनाओं के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि मस्जिदों, ईदगाहों और निजी स्थानों पर ही नमाज अदा की जानी चाहिए और ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि कानून व्यवस्था बनी रहे।